जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हमारा ब्रजधाम यात्रा का दूसरा दिन है और हम शाम को जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल में दर्शन के लिए। यहाँ हमने तिलक लगवाया। इस्कॉन टेंपल प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास है। आप वॉक करके ही प्रेम मंदिर से इस्कॉन टेंपल भी जा सकते हैं और हमारे आश्रम से भी इस्कॉन टेंपल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। फिर हमने श्री कृष्ण जी और बलराम जी के लिए फूलों और तुलसी की माला ली। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। फिर हमने बाहर ही अपनी चप्पल उतारी और चल दिए अंदर की तरफ। ये मंदिर श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में दो दिव्य भाइयों यानी श्री कृष्ण जी और बलराम जी की पूजा होती है। हमें भगवान जी की प्रतिमा के दर्शन करते ही बहुत ही शांति मिली। यहाँ पर कीर्तन हो रहा था और सभी मंत्र मुग्ध होके झूम रहे थे। इस्कॉन टेंपल में सभी लोग भगवान जी के भजनों पर नृत्य भी करते हैं, जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। हमें पंडित जी से फूलों की माला मिली तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। सभी भक्तों के साथ भजन कीर्तन करके हमको आनंद ही आ गया। सभी भक्त हरे कृष्णा हरे रामा का नाम लेकर झूम रहे हैं। हमने भी यहाँ भक्तों के साथ मिलकर नृत्य किया। हमने भगवान जी के दिव्य दर्शन किए। दर्शन करके और नृत्य करके तो हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा। आप चाहें तो भगवान जी के लिए माला मंदिर के अंदर से भी ले सकते हैं। इस्कॉन मंदिर एक आध्यात्मिक केंद्र है जो भक्तों को आंतरिक खुशी, संतुष्टि और उच्च चेतना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस्कॉन मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इस भव्य मंदिर की जटिल नक्काशीदार दीवारें और गुंबदे, घुमावदार सीढ़ियाँ और तोरण द्वार देखने लायक है। यह मंदिर पूरी दुनिया में श्री कृष्ण विचारधारा को फैलाने वाला एक शक्ति केंद्र है। यहाँ हमने हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे का जाप किया। ये जाप हमने 108 बार किया। यहाँ पर खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की गई है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं।
यहाँ का भारतीय और पश्चिमी व्यंजन भक्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर बुक्स शॉप भी हैं जहाँ पर आपको धार्मिक पुस्तकें भी मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम आ गए बाहर की ओर, और हमने बाहर देखा तो भक्तों को खिचड़ी प्रसाद भी मिल रहा था। और अगर आपको खिचड़ी प्रसाद सेवा करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर हमने मंदिर के आसपास मिलने वाला स्ट्रीट फूड ट्राई किया। स्वीट कॉर्न वॉज अमेजिंग इन टेस्ट। फिर हमने वृंदावन के मोमोज भी ट्राई किए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे। फिर हमें दिख गया सेल्फी बूथ, वो भी रिंग लाइट के साथ, तो हमने सोचा क्यों ना एक रील बना ली जाए। हमने राधा रानी और श्री कृष्ण जी के डिवोशनल सॉन्ग पर रील बनाई। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस फन अमेजिंग एक्टिविटी। अब हम प्रेम मंदिर जाएंगे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया था। आई होप आपको मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। हरी बोल।